अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको अपने गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मैं आपसे ना अपनी शॉपिंग शेयर करने आया था। ये मैंने छोटी सी शॉपिंग की है। तो यार मैं नर्सरी गया था तो मुझे कुछ प्लांट अच्छे लगे तो मैंने ले लिए। ये जो ये है बड़ा, ये ना रेयर वैरायटी है अगेव की। ये कैसे उनके पास निकला था इसका मुझे पता है कि कैसे निकला था, कि उनके पास ना एक सादा अगेव था, बिल्कुल ऐसे वाला ग्रीन वाला ऐसे वाला गेव था। उसने ना नियर अबाउट ना 7 से 8 साल बाद ना एक अंदर से ना अपना स्टॉक निकाला। वो स्टॉक के ऊपर से ना बहुत सारे बेबीज निकले, क्योंकि ना गेव ऐसे करता है, अंदर से एक स्टॉक निकालता है 7 से 8 साल बाद, उसके ऊपर ना बहुत सारे फ्लावर लगते हैं, फ्लावर के बाद ना छोटे छोटे इतने इतने बेबीज लगते हैं। तो ये उन्हीं बेबीज से निकला हुआ है। इसकी एक ख़ास बात है ये है, ये ना असल में ना 100 रुपीज़ का आम जो वैरायटी होती है ना 100 रुपीज़ की मिल जाती है। एक इसमें येलो वाली होती है, एक आम ग्रीन लाइट ग्रीन वाली होती है, लेकिन जो ये है ना ये वाइट वाली है। आपको ऐसे नहीं दिखेगा, जो आम वाले पड़े हो ना साथ पे दिखता है, उनके ना बहुत ग्रीन होती हैं, ऐसी होती हैं, इतने वाइट नहीं होते जितने इसके हैं ना। तो ये मैं उनके पास एक बड़ा भी पड़ा था, तो उनके पास ये वाइट वाले ना ग्रीन वाले तो बहुत सारे निकले थे, उसमें से बेबीज और कुछ आई थिंक 3 या 4 येलो वाले निकले और नियर अबाउट 3 और 4 ना ये वाइट वाले निकले। तो निकले कब थे, 3 साल बाद निकले थे, लेकिन जो उसने स्टॉक निकाला था वो 8 साल बाद निकाला था। बहुत पुरानी नर्सरी है, 35 साल पुरानी नर्सरी है वो। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ना ये जो 4 बेबीज इसके निकले थे और 4 येलो के निकले थे, उनको उन्होंने बड़े पॉट में शिफ्ट कर दिया। बड़े पॉट में शिफ्ट करने के बाद ना उसके इसने ना इतने सारे बेबीज निकाले। ये अपने बेबीज निकालता है अपनी रूट से, इसकी एक ख़ास बात होती है, तो इससे उन्होंने सेपरेट किया। वो जो बड़े बड़े प्लांट हैं ना, वो ये न्यू वैरायटी थी, क्योंकि ये और किसी के पास मैंने ये वाला कलर देखा नहीं है। यहाँ पे किसी भी नर्सरी में मैंने देखा, आम वाले तो मिल जाते हैं 100 के, तो ये वाले वो काफ़ी एक्सपेंसिव दे रहे थे। जो बड़े प्लांट थे ना 3 साल पुराने, 3 से 4 साल पुराने प्लांट थे ना, वो आई थिंक 100-3500 का एक दे रहे थे, जो कि बहुत एक्सपेंसिव, वालकिरिया से भी महंगे, क्योंकि ये बड़े हो जो उनके पास हुए थे ना काफ़ी प्यारे लग रहे थे। इसका कद इतना बड़ा बड़ा नहीं होता जितना वालकिरिया का, ये बड़े हो जाते हैं। इसके ये छोटे रहते हैं लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है जब बड़ा हो जाए ना, और ये नीचे से बेबीज भी निकालता है। तो ना ये उसने मुझे इसकी कीमत 500 बताई, ये लाते लाते यहाँ से कट भी गए, तो उसने इसकी कीमत मुझे 500 बताई, लेकिन ना मैंने उसे 250 में मनाया। बहुत मुश्किल है, जो आम वाली वैरायटी है वो आई थिंक 100 से 150 की देते हैं एक, लेकिन ये था प्यारा लग रहा है। वो मैंने वहाँ देखे थे ना, वो इतने अच्छे नहीं लगते, वो ग्रीन ग्रीन से होते हैं। येलो वाला भी इतना अच्छा नहीं लगता, येलो वाला भी वो आई थिंक 200 का दे रहा था, ऐसे 200-250 का कह रहा था, जबकि वाइट वाला वो महंगा दे रहा था। क्यों? क्योंकि ना ये रेयर वैरायटी है। ये वो मैंने वाकई देखा, ये ना वो 2500 से 2500 के दरमियान बेच रहे थे। तो एक मैं ये लाया हूँ, आपके यहाँ शायद ये हो या ना हो मुझे तो नहीं पता, लेकिन यहाँ मैंने कभी नहीं देखा ये वाइट कलर में, जिसके वाइट शेड है, ये बड़ा होकर बहुत प्यारा लगता है। और ये है क्रोटन, ये जो क्रोटन है ना, ये है बड़ा, ये आते कराची से, ये जो रेड जो येलो वाले पत्ते वाले होते हैं ना ऐसे वाले, तो ये कराची से आते हैं। ये भी यहाँ काफ़ी एक्सपेंसिव है, ये आई थिंक सो मुझे सस्ता होना चाहिए था, लेकिन ये भी एक्सपेंसिव है यहाँ। ये भी 3500-3500 के दे रहे हैं, पता नहीं क्यों इतने उन्होंने रेट कर दिए हैं, लेकिन ये भी और 3500-3500 का बड़ा प्लांट दे रहे हैं। तो ये जो एक बच्चा पड़ा था उनके पास, ये मैंने इन पॉट में खुद शिफ्ट किया, ये इस पॉट में थे गंदे से नर्सरी पॉट में थे, ये जैसे ये नहीं है वैसे थे, तो इसमें ना मैंने अपने पॉट्स में इनको भी शिफ्ट किया, इसमें ज़रा अच्छे लग रहे हैं। तो ये मुझे मिला है 250 का, ये भी मुझे मिला है 250 का, ये उसने 350 का कहा था, तो ये 250 का मिला मुझे, और ये मिला मुझे 150 का। ये एक और बेबी मैं ले आया हूँ कंगी पाम को, ये मेरे पास पहले भी हैं, लेकिन मुझे पसंद आया 150 का था तो मैंने ले लिया। तो ये मुझे मेरे ख्याल से बहुत एक्सपेंसिव मिला है मुझे ये वाला, ये इसकी कीमत मैक्सिमम 100 होनी चाहिए थी, लेकिन ये 250 का मिला है मुझे। वो काम ही नहीं करता था, क्योंकि इतना बड़े बड़े पड़े थे उनके पास, जो 3500 के दे रहे थे। ये किसी के पास नहीं था, सिर्फ उसी के पास था, तो इसका मैं नहीं कह सकता भाई कितने का है। ये 250 का आई थिंक सही है, क्योंकि ना 150 का ना आम वाली वैरायटी मिलती है इसकी, थोड़े बड़े होते हैं लेकिन वो आम होते हैं इतने अच्छे नहीं लगते, ये थोड़ा बड़ा होकर ज़्यादा अच्छा लगेगा। और ये 150 का आई थिंक मोटा ताज़ा सही है, एक बेबी भी इसका यहाँ से निकल रहा है। तो ये थी मेरी शॉपिंग, आप बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफिज़।